मूवी के स्टार्ट होते ही हमें चार फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि ऑडियंस में बैठे हुए थे क्योंकि वो वहाँ पर कार रेस देखने आए थे। उनमें एक लड़का जिसका नाम निक होता है और उसकी फ्रेंड का नाम लोरी होता है और उनके साथ उनके दो फ्रेंड्स थे और जिस जगह पर वो बैठे हुए थे उस एरिया का नाम था 180। वहाँ सब लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन निक थोड़ा अपसेट था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव क्लोज मिल रहे थे। वो अपने आसपास बैठे हुए कुछ लोगों को देखता है। उन लोगों के सामने एक काउबॉय आकर बैठ जाता है। वहीं पर एक अमेरिकन कपल भी आया हुआ था जिन्हें गार्ड कुछ कह रहा था। एक मदर थी जो कि अपने दो बच्चों के साथ वहाँ पर आई थी। इनके अलावा एक कार मैकेनिक था जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पर आया था। निक को लग रहा था कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट होने वाला है जिससे क्रैश हो जाएगा और उसे बिल्कुल ठीक ही लग रहा था क्योंकि एक कार जिसका नंबर 45 था उसमें एक स्क्रू ड्राइवर फंसा रह जाता है और वो स्क्रू ड्राइवर रेस ट्रैक पर गिर जाता है जिससे एक कार का टायर फट जाता है और वो क्रैश हो जाती है। एक टायर उस मैकेनिक की फ्रेंड के ऊपर आकर गिरता है जिससे वो मर जाती है। सब लोग घबराहट के आलम में इधर उधर भाग रहे थे। रेस ट्रैक पर सारी कार एक दूसरे से टकरा रही थी और उनके टुकड़े दूर दूर आकर गिर रहे थे जिससे उस अमेरिकन कपल की भी डेथ हो जाती है। एक कार इंजन उन बच्चों की मदर पर आकर गिरता है जिससे वो क्रश हो जाती है और वहीं पर मारी जाती है। वो मैकेनिक भाग रहा होता है और एक बहुत बुरे तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद वो काउबॉय मरता है। निक के फ्रेंड्स भाग रहे होते हैं और उनके ऊपर छत गिरने से वो भी मारे जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लोरी और सिक्योरिटी गार्ड मारे जाते हैं और वहीं पर निक की भी डेथ हो जाती है और तभी निक फौरन सेंसेस में आ जाता है और यहाँ पर निक को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसने ये क्या देख लिया है और तभी वही काउबॉय आकर उनके सामने बैठ जाता है। सब कुछ एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा था जैसे कि उसने अभी देखा था, यानी उसने फ्यूचर देख लिया था और निक को पता होता है कि अब क्या होगा, यानी वहाँ पर एक्सीडेंट होगा और क्रैशेज होंगे और रेल में भी जिस कार का एक्सीडेंट होना था उसका नंबर भी 45 होता है। निक बहुत ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहता है कि यहाँ पर क्रैश होने वाला है। अक्सर लोगों को उसके इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरा भला कहने लगते हैं। उसके पीछे बहुत सारे लोग स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाते उसका कहा सच हो जाता है और अंदर सारी कार क्रैश हो जाती है। उस अमेरिकन की वाइफ अंदर ही फंस गई थी और वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने नहीं देता क्योंकि क्रैश की वजह से पूरा स्टेडियम उसकी लपेट में आ गया था। सब लोग काफी डरे और घबराए हुए होते हैं। तभी अंदर से उड़ता हुआ एक टायर आता है और उस मैकेनिक की फ्रेंड को कुचलकर मार डालता है और वो लोग देखते ही रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। उस इंसिडेंट की अगली रात एक मेमोरियल रखा जाता है उन लोगों की याद में जो इस एक्सीडेंट में मारे गए। निक और लॉरी भी वहाँ पर जाते हैं जहाँ उन्हें अपने जैसे बाकी सर्वाइवर्स भी मिलते हैं। वो अमेरिकन अपनी वाइफ की डेथ का रिस्पॉन्सिबल गार्ड को समझ रहा था क्योंकि उसने अंदर जाने जो नहीं दिया था। उसकी बातों से लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है और वो अपनी वाइफ की डेथ का बदला जरूर लेगा। रात को भी निक को एक विजन दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है और जाग जाता है। उसने अपने विजन में कुछ आग जैसा देखा था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। दूसरी तरफ वो अमेरिकन काफी नशे में था और वो उस गार्ड के घर जाता है। वो ट्रक को ऑन ही छोड़कर गार्ड के घर में जा रहा था तभी अचानक से बियर कैन रेस पर गिर जाते हैं और उसका ट्रक चलने लगता है जिसकी वजह से वो चेन में फंस जाता है और ट्रक उसे घसीटते हुए ले जा रहा था और फ्यूल गिरने की वजह से उस चेन में आग लग जाती है। वो चिल्ला रहा होता है और तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो गार्ड बाहर आ जाता है और इतने में ही आग इंजन तक पहुंच जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब निक की न्यूज देखता है तब उसे पता चल जाता है कि जो विजन उसने देखा था वो उस अमेरिकन की डेथ का ही था और अभी वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे एक दूसरा विजन नजर आता है। अब विजन तो वो देख लेता है लेकिन इस बार भी उसे ये पता नहीं चल पाता कि अब डेथ की किसकी बारी है। वो मदर अपने बच्चों के साथ एक सैलून में जाती है। उस लेडी के बच्चे एक साइन बोर्ड पर पत्थर मार रहे थे और वहाँ का गार्डनर उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वहाँ से भगा देता है। जब वो लेडी सैलून में बैठी होती है तब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे वो मर सकती थी लेकिन उन इंसिडेंट से तो वो बच जाती है। लेकिन जब वो घर वापस जा रही होती है तभी एक ग्रास कटर से एक पत्थर हिट होता है जो सीधा आकर उसकी आंख में लगता है और वो मर जाती है। और वो पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बच्चों ने ही वहाँ पर फेंका था। उस लेडी की डेथ से निक को पता चल जाता है कि डेथ उनके आस पास ही है। न्यूज पेपर के ऊपर भी 180 लिखा हुआ था और वो इसके बारे में रिसर्च करते और तब उन्हें 180 की तबाहियों के साथ साथ डेथ के पूरे कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है कि वो कैसे काम करती है। और वहीं पर उन्हें डेथ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि अगर वो डेथ की प्रोसेस को रोक देते हैं तो वो खत्म हो जाएगी लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। निक को एक और विजन आता है। अब वो डेथ के बारे में तो जान चुका था लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि अगली बारी
किसकी है। और ये पता लगवाने के लिए वो उस स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पर क्रैश हुआ था, और वहाँ पर वो गार्ड से मिलते हैं। गार्ड उन्हें कैमरा फुटेज दिखाता है जिससे निक को पता चलता है कि अगली बारी उस मैकेनिक की है। वो तीनों मैकेनिक के पास उसकी शॉप पर जाते हैं। वो उस मैकेनिक को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर बिलीव करने को तैयार ही नहीं था। तभी वो देखता है कि एक वैन उसकी तरफ आ रही है, लेकिन किसी तरह वो उससे बच जाता है। और अब उसको उन लोगों की बातों पर यकीन आ चुका था, लेकिन अब काफी देर भी हो चुकी थी। तभी अंदर से एक सिलेंडर आता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब निक उन्हें बताता है कि अगली बारी उसके दोनों फ्रेंड यानी हंट और जैनेट की है। निक को फिर से एक विजन आता है जिससे उसे पता चलता है कि उन दोनों की डेथ पानी की वजह से हो। तब उन्हें एक प्लान आता है और वो सोचते हैं कि हंट के पास निक जाएगा और जैनेट को बचाने के लिए लॉरी और वो गार्ड जाएंगे। जैनेट जो कि कार वॉश एरिया में थी और हंट एक वाटर पार्क में आया हुआ था। जैनेट कार वॉश में जा रही होती है, लेकिन किसी खराबी की वजह से उसकी कार बीच में ही फंस जाती है। अब सारे डोर लॉक थे तो वो बाहर भी नहीं आ सकती थी और किसी को कॉल भी नहीं मिला सकती थी क्योंकि वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। और यही नहीं बल्कि उसकी कार का सनरूफ भी खराब हो गया था। तब सनरूफ तो थोड़ा सा खुल जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक पाइप टूट जाता है और सारा पानी कार के अंदर आने लगता है। दूसरी तरफ हंट का फेवरेट कॉइन स्विमिंग पूल में गिर गया था और हंट उसे लेने के लिए पूल में चला जाता है। हंट देखता है कि जिस होल में से पानी ड्रेन हो रहा है उसका कॉइन वहाँ गिर गया है और हंट उस ड्रेन होल में फंस जाता है। उन दोनों ने पानी से ही मरना था और वो दोनों बुरी तरह पानी में फंस गए थे। जैनेट की पूरी कार पानी से भर गई थी और वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपना सर सनरूफ से बाहर निकाल लेती है। जैनेट सोच रही थी कि अब वो शायद बच सकती है क्योंकि अब तो वो आसानी से सांस भी ले रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो कार स्लोप चलने लगता है और जैनेट को अपनी मौत अपने सामने ही नजर आ रही थी। लेकिन लॉरी बिल्कुल ठीक टाइम पर वहाँ पहुँच कर उसे बचा लेती है। वो अपनी कार से उसकी कार को रिवर्स करके उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब जैनेट को तो बचाने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हंट अभी तक वहाँ पर फंसा हुआ था और निक भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो हंट को नहीं ढूंढ पाता और हंट की बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। अब यहाँ पर तो हंट मर गया और जैनेट बच गई, तो अगली बारी उसी गार्ड की थी। अब वो गार्ड इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, इसीलिए उसे अपनी डेथ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी फैमिली मर चुकी थी और उसे भी जीने का कोई शौक नहीं था। लेकिन लॉरी और निक को एक ऐसा क्लू मिल जाता है जिससे वो उसे बचा सकते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो दोनों उस गार्ड के घर जाते हैं। उस गार्ड के घर पहुंचकर वो देखते हैं कि उसने खुद को फांसी पर लटकाया हुआ है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। वो उन लोगों को बताता है कि वो सुबह से फांसी लगाने की प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वो नाकाम रह जाता है। वो लोग सोचते हैं कि जैनेट को बचाकर उन्होंने डेथ के इस प्रोसेस को तोड़ दिया है और अब वो लोग सुकून से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि सेलिब्रेशन करने के लिए वो लोग ट्रिप पर जाएंगे। निक सामान पैक कर रहा होता है और लॉरी जैनेट के साथ एक फिल्म देखने गई हुई थी। तभी निक देखता है कि टीवी पर उस कॉबॉय की न्यूज चल रही थी, यानी उसे क्रैश से सेव कर लिया था। तब निक फौरन समझ जाता है कि अगर वो कॉबॉय बच गया है तो अब मरने की बारी उसी कॉबॉय की है। तब निक जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और उस गार्ड को भी वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन पहुँचने में उन्होंने काफी देर लगा दी थी क्योंकि डेथ ने तो अपना काम शुरू कर दिया था और वो उनकी नजरों के सामने नहीं मारा जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब निक और गार्ड जल्दी से वहाँ से निकलते हैं क्योंकि उन्होंने लॉरी और जैनेट को बचाने के लिए जाना था। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, तभी एक एम्बुलेंस उस गार्ड को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। तब निक जल्दी से उस मॉल तक पहुँचता है और उसे फिर से एक विजन नजर आता है और वो लॉरी को ढूंढने लगता है। लॉरी सिनेमा हॉल में बैठी हुई थी, लेकिन डेथ ने अपना काम शुरू कर दिया था। सिनेमा हॉल के बिल्कुल साथ वाले रूम में आग लग गई थी। निक लॉरी को ढूंढ लेता है। वो उन्हें बताता है कि मौत का ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है और बेहतर होगा कि उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन जैनेट उनके साथ जाना नहीं चाहती थी और वो वहीं बैठकर मूवी एंजॉय करती है। तभी मूवी में ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट रियल बन जाता है जिससे जैनेट भी मारी जाती है और अगली बारी लॉरी की है। वो उस मॉल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लास्ट की वजह से पूरा माल उसके पेट में आ गया था। लॉरी का पांव एक्सीलेटर में फंस जाता है और वो निक के सामने ही मर जाती है। और तभी निक फौरन से सेंसेस में आ जाता है, यानी एक बार फिर से उसने फ्यूचर देख लिया था और वो उस गार्ड के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है। वो गार्ड उससे बातें करते हुए चल रहा होता है। अब गार्ड के साथ क्या होने वाला है ये निक जानता था, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता वो एम्बुलेंस उस गार्ड को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। अब निक मॉल में जाता है और वो सिनेमा हॉल में जाने की बजाय उस रूम में चला जाता है जहाँ पर आग लगी हुई थी, क्योंकि वो सब लोगों को बचाना चाहता था। वो आग बुझाने की कोशिश करता है जिससे वो जख्मी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आग बुझाने में कामयाब
कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर वो सोच रहा था कि उसने इतने सारे लोगों की जान बचा ली है। इसके बाद हम सीधा दो हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पर हमें एक बस दिखाई जाती है जिसके ऊपर 180 लिखा हुआ था। वो एक कैफे में बैठे हुए थे और उस कैफे का नाम था डेथ बाय कैफे। और वहाँ पर भी निक को बहुत सारे नेगेटिव क्लूज मिल रहे थे जिन्हें देखकर वो फिर से अपसेट हो जाता है। उन क्लूज को देखकर निक फौरन समझ जाता है कि उसने कुछ भी चेंज नहीं किया और ना ही उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई, बल्कि ब्लास्ट तो होना ही नहीं था। यहाँ पर डेथ ने उसके साथ एक प्रैंक किया था, क्योंकि डेथ उन लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी बल्कि वो डेथ के अकॉर्डिंग चल रही थी। वो ये सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि अगर वो इस कैफे में बैठे हुए हैं तो ये भी डेथ का एक प्लान हो सकता है। अभी बस वो ये कहता ही है कि एक ट्रेन आकर उन तीनों को कुचल डालती है और वो तीनों भी मारे जाते हैं और उनकी डेथ के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।